हाय, सो प्रिपरेशन ऑफ कैट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैट में मार्क्स लाना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए क्या है, कैट का फॉर्म सही से भरना। बिकॉज अगर आप कैट के फॉर्म्स में एक भी गलती करते हो तो आपका 99.99 बिकम्स जीरो, नल एंड वॉइड हो जाता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, मैंने उनके डाउट्स क्लियर किए हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व किए कि सर मेरे कैट फॉर्म में गलती हो गई है, अब मैं क्या करूँ। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी IIMF ने कहा कि आपने फॉर्म्स में ये फिल किया था, यहाँ पे ये है, तो वी आर गोइंग टू रिजेक्ट योर कैंडिडेचर। तो कैट का फॉर्म भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरल फॉर्म्स फिलिंग डाउट्स में जो मैं आज कवर करने वाला हूँ, उसमें मैं आज कवर करने वाला हूँ एलिजिबिलिटी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ पे जाओ, कनेक्ट करो और क्वेश्चन मुझसे पूछो, बिकॉज एलिजिबिलिटी या कैट फॉर्म फिलिंग में डाउट्स नहीं होने चाहिए। आज मैं जो इस सेशन में कवर करने वाला हूँ, माइग्रेशन इज कम्प्लीटेड बट रिजल्ट इज पेंडिंग। सर मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो चुका है 2020 दिस ईयर, बट रिजल्ट पेंडिंग है, तो मुझे क्या करना है। ग्रेजुएशन एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बट डज नॉट हैव द मार्क्सिट। ग्रेजुएशन और रिजल्ट बहुत लोगों का होता है कि मेरा रिजल्ट आ चुका है मेरे पास इतने, बट मार्क्सिट नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूँ। इन द फाइनल ईयर सेकेंड ईयर कम्प्लीटेड हो चुका है मेरे पास, अब मुझे क्या फॉर्म भरना चाहिए या मैं भर सकता हूँ। या दूसरे लोग होते हैं, सर मेरा फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो चुका है, सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है, बट 2023 तक मेरे रिजल्ट्स आएंगे, तो मुझे फॉर्म कैसे फिल करूं, एम आई एलिजिबल और नॉट, और IIMCA CWA इंटर कैन आई फिल द फॉर्म और नॉट, ये हम सारे डिस्कस करेंगे। अब इसके क्वेश्चन हम खोजते कहाँ पे, चलो इसके क्वेश्चन को हम खोजते हैं IIMC की साइट पे। तो चलते हैं ऑफिशियल साइट पर, कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ लेना, बिकॉज डाउट्स को डाउट्स नहीं रखना है। मैंने बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए हैं, क्या डेट्स थी क्या नहीं है, और हम लोग इसी तरह से वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो देखो कैट वेबसाइट में तीन मोड, तीन टैब्स हैं एक्चुअली, नो मोड, नो अबाउट द कैट, क्विक टू, यहाँ पे अभी अपडेट होने वाला है आपका कि हाउ टू फिल द कैट फॉर्म, रजिस्ट्रेशन वीडियो होगा, रजिस्ट्रेशन गाइड यहाँ पे आएगा, देन यहाँ पे सर्टिफिकेट्स, हम सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो है कि एलिजिबिलिटी क्या है, ये जो वीडियो है कैट की एलिजिबिलिटी क्या है, मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ या नहीं, मैं और जितने भी छोटे छोटे भी आपके डाउट्स होंगे, आई एम गोइंग टू रिजॉल्व ऑल द डाउट्स हियर ऑनली। तो आप चैनल पे बने रहना, चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट भी पोस्ट होते रहते हैं अलॉन्ग विद द इन्फॉर्मेशन वीडियो। नो ग्लू, नो गैप, बकवास, सब कुछ काम की बातें, आपके एग्जाम्स के लिए होगा। तो हमारे पास कैट एडवर्टीजमेंट है जिसमें मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में ही डाल दिया, आप जाके देख सकते हो। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, सिलेक्शन प्रोसेस है, लेकिन आज जो बात कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, कैट एलिजिबिलिटी का, 2022 एम आई एलिजिबल और नॉट। तो अगर आप एलिजिबल क्राइटेरिया देखोगे कैट का, तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ हिडन है। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि बहुत कुछ और बहुत कुछ हिडन है, उस पर बात करते हैं आज। चलो, कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट 2022 एलिजिबिलिटी, इन्होंने जो एलिजिबिलिटी दी है ये अभी क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क क्यों है, नहीं है, अगर आप मेरे को साथ देते हो, अगर आप मुझको सपोर्ट करते हो, तो इस क्वेश्चन मार्क को भी हम फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर देंगे। आप चैनल देखते रहना, वीडियो में क्या क्या बातें हो रही है। द कैंडिडेट मस्ट होल्ड द बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA, 45% इन द केस ऑफ द SC ST कैटेगरी एंड द PWD। ये अभी क्वेश्चन मार्क है, ये बहुत जल्द आपके पास और भी एक नोटिफिकेशन आएगी, मैं आपको बताऊंगा इसी चैनल पे कि उस नोटिफिकेशन में क्या है। बट अभी आप मान लो कि इफ यू आर इक्विवेलेंट और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप एलिजिबल हो, अगर आप क्वालिफाई हो गए हो तो अंडर द स्टेट HRD आपका होना चाहिए। दूसरी बात, अब देखते हैं कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर, आओ ऊपर चलते हैं, कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द फाइनल ईयर। अच्छा, अगर आप फाइनल ईयर में भी हो तो आप क्या हो, एलिजिबल हो, ये एक पॉइंट है उन लोगों के लिए। कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द फाइनल ईयर ऑफ द बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन एंड दोज हु हैव कंप्लीटेड डिग्री रिक्वायरमेंट्स एंड द अवेटिंग फॉर द रिजल्ट्स कैन ऑल्सो अप्लाई। मतलब ये बोल रहे हैं जिनका रिजल्ट अवेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
इन्होंने एक बात तो अभी तक बोली नहीं कि सर हमने तो फाइनल ईयर का एग्जाम ही नहीं दिया है। ये तो उन लोगों को है जिनका सेशन 2022 में कंप्लीट हो रहा है, दैट इज 19 to 2022। ये उन लोगों का है, या अगर आप इंजीनियर्स हो तो 18 to 2022 के लिए इन्होंने बात की है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है इस साल तो आप एलिजिबल हो, विद कंडीशन अप्लाई कि आप 50% मार्क्स सिक्योर करते हो। तो ये क्वेश्चन मार्क है, अभी मैं इसमें आगे बात करूंगा। देन तो अभी तक क्या है, अगर आप ग्रेजुएट हो और इक्विवेलेंट डिग्री है 50% का, तो आप इक्विवेलेंट हो, आप हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप अभी ग्रेजुएशन में ही हो और इस बार आपने फाइनल ईयर एग्जाम्स अपीयर किया है और रिजल्ट्स आप वेट कर रहे हो, अपीयर करो तो आप वेट कर रहे हो, तो आप एलिजिबल हो। आपने कहा ठीक है, कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर दिस, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर कैट 2022 शुड फिल एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, कंप्लीटेड बैचलर डिग्री विथ रिक्वायर्ड मार्क्स। अब ये देखो एक एस्ट्रिक है, देखते हैं विथ रिक्वायर्ड मार्क्स। एस्ट्रिक का मतलब मैं आगे बता दूंगा क्या है। कंप्लीटेड प्रोफेशनल डिग्री सी ए सी एस सी डब्ल्यू ए फेलोशिप और आप एलिजिबल हो, मतलब अगर आपका कंप्लीट होगा तभी आप एलिजिबल हो। यहां तो ग्रेजुएशन में क्या होता है कि हमें पता है कि हमने ग्रेजुएशन डिग्री ले ली है, अगले साल मेरे को डिग्री मिल ही जाएगा, मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। लेकिन ये प्रोफेशनल डिग्री में आप अगर इंटर हो, यू आर नॉट वेलकम, आप नहीं फिल कर सकते हो कैट का फॉर्म। यू नीड टू हैव इधर ग्रेजुएशन और कंप्लीट सी एस सी डब्ल्यू ए होना चाहिए। मैं सी एस सी डब्ल्यू ए पे एक वीडियो और लेके आऊंगा आपके लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा सी एस सी डब्ल्यू ए के लिए, वो मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा। कैट का फॉर्म फिल मत करना जब तक कि ये वीडियो नहीं आ जाता है। ये अगर आप फिल कर रहे हो तो एटलीस्ट मुझसे पूछ लेना कि आई एम सी ए क्वालिफाइड, आई एम सी डब्ल्यू ए क्वालिफाइड, तो मुझको बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। शुड बी इन द फाइनल ईयर बैचलर डिग्री विथ रिक्वायर्ड परसेंटेज, इन्होंने कहा है शुड बी इन द फाइनल ईयर बैचलर डिग्री। अब इस पे मैं बात करता हूं, सर मेरा सेशन लेट चल रहा है कॉल यूनिवर्सिटी का, मैंने तो अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम ही दिया है, सेकंड ईयर का एग्जाम अभी तक नहीं दिया है जो होने वाला है, शुड आई अप्लाई, मैं ये भी आंसर करूंगा। आखिर कैट का फॉर्म कौन फिल कर सकता है, विच कैन गेट 50% मार्क्स इन देयर डिग्री और इक्विवेलेंट बाई, वो भी देखूंगा, तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहना। ये एस्ट्रिक क्या है, ये दिस इज फॉर द कैटेगरी एस्ट्रिक, कैटेगरी वाइज एस्ट्रिक है। तो आखिर हु कैन अप्लाई अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, ये तीन जनता अप्लाई कर सकती है, बट इससे भी बहुत ज्यादा लोग अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू साइट, कंप्लीटेड बैचलर डिग्री अगर आप है 50%, डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। सी एस सी डब्ल्यू ए कोई भी प्रोफेशनल डिग्री है विद द 50% मार्क्स आप अप्लाई कर सकते हो, या अगर आप फाइनल ईयर डिग्री में हो और मतलब इस साल अगर आपका फाइनल ईयर हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट मैंने कहा इसके अलावा भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसे देखना, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ आगे पता चलेगा जो यहां पे लिखा हुआ है बट हिडन है। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, अब इसको देखते हैं क्या है थर्ड पॉइंट। नाउ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट वुड कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेट फॉलोड बाय द थ्री द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। देखो 10th 12th तक आपके सारे पेपर्स को यूज करना होता है, आपने बेस्ट ऑफ फाइव नहीं करना है, जितने भी दिए हैं आपके सर्टिफिकेट में वो यूज करना होता है। बट ग्रेजुएशन में जो आपको मार्क्स यूज करने होते हैं वो एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स होती है। लाइक अगर यूनिवर्सिटी ओनली ऑनर्स को मार्क्स कंसिडर करती है और वो लिखती है, अगर मेंशन करती है, तो आपको ओनली ऑनर्स को लेना होगा। CGPA यूनिवर्सिटी अगर आपको बताती है कि कैसे फिल करना है तो अच्छी बात है, तो CGPA आउट ऑफ 100 फिल करना होगा। 10th 12th में 9.5 का क्राइटेरिया चलता था, यहां वो नहीं है। आपके डाउट्स मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, ये अगर आपको लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन जो कमेंट में पोस्ट कर दी, मैं बता दूंगा क्या है, आपको कोई भी डाउट हो, वो हो सकता है आपके डाउट्स हो सकता है जनरल डाउट्स हो, आप बताना, मैं उसको बताऊंगा। तो अभी तक इन्होंने कहा, अब देखो आईएम्स में वेरी एलिजिबिलिटी, आईएम्स का अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है। मैंने कैट, ये कैट का क्राइटेरिया है कि हमें 50% मार्क्स चाहिए, आईएम्स कुड से कि हमें 65% मार्क्स चाहिए, आईएम्स कुड से हमें 80% मार्क्स चाहिए, वो आईएम्स का क्राइटेरिया है, इन्होंने ये मेंशन किया है। तो हमें अभी तक जो लगा वो ये लग रहा है, एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट रिजर्वेशन हमारे पास है, तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी हो तो अच्छी बात है। अभी जो मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं क्या हमारे कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां तक हमें जो दिखता है वो हमें यही लगता है कि आखिर तीन जनता, तीन टाइप की जनता फॉर्म फिल कर सकती है, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, जो प्रोफेशनल में है, और जिनका फाइनल ईयर में अभी वो है, वो कर सकते हैं। बट इस वेबसाइट में एक चीज और है जो बाकी लोग शायद आपको नहीं बताते हैं, उनको पता नहीं है, या आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो चलो हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ आईएम्स, और ये क्या बताते हैं, हमने तो कैट देना है आईएम्स के लिए, तो क्या हम आईएम्स को अगर देखना स्टार्ट कर दे तो वो क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ आईएम्स में एक बहुत अच्छी बात होती है, वो हमें देखना है कि
कि हमारा कैट रिजल्ट शॉर्टलिस्टिंग एडमिशन प्रोसेस है एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन। देखो कैट में आपने जो ग्रेजुएशन के बारे में बात की है, जितने भी बात की है, वो वेरीफाइड तो होगा। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस में देखना स्टार्ट कर दे, इफ कैंडिडेट इज शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू बाय NIIMS, ही और सी मस्ट बी कंपाइल फॉलोइंग मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। अब मैं बात करना चाहता हूं कि सर मैं अगर फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हूं तो क्या करें। कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन मस्ट शो एन ओरिजिनल सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल। अब ये जो आपका सर्टिफिकेट है, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपको प्रिंसिपल से अंडरटेकिंग लेना होगा। मैं इसके बारे में बात करूंगा कि आखिर कब, कहां और कैसे अंडरटेकिंग लेते हैं, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। अगर आप फाइनल ईयर्स में हैं तो आपको प्रिंसिपल से अंडरटेकिंग ले जाके इंटरव्यू आपको दिखाना होगा अपने इंटरव्यू में वैट PI में कि आप ऐसा कर सकते हो। अटेस्टेड कॉपी ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन द टाइम ऑफ इंटरव्यू, और इसे सबमिट भी करना है, मैं इसके बारे में आपसे बताऊंगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे लोग जनरली पढ़ते नहीं है, वो क्या है, वो ये है, द डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री इक्विवेलेंट मार्कशीट एंड द सर्टिफिकेट इज December 31, 2023। अगर आपके पास आपका डिग्री December 31, 2023 तक आ सकता है, आ जाएगा, तो यू कैन फिल कैट 2022। मतलब बाय एनी चांस, जैसे अभी आपके फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं हुए हैं या अगले साल फाइनल ईयर के एग्जाम्स होंगे, एंड अगर आपका मार्कशीट December 31, 2023 तक आ जाता है, तो आप कैट फुलफिल कर सकते हैं। मतलब कैट फिल कौन कर सकता है, कैट फिल वो सारी जनता कर सकती है जो December 31, 2023 तक अपने डिग्री और इक्विवेलेंट में एटलीस्ट 50% मार्क्स ले आके इस सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकती है। तो अभी आपको क्या चाहिए, अगर आपके अभी मार्क्स नहीं है, अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो, तो आपको बस अंडरटेकिंग को साइन करवा के अपने पास रखना है, वो कुछ भी नहीं करना है। मैं उसको भी बताऊंगा कि व्हाट हैपेंस इफ सर मेरा अभी तक सेकंड ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट ईयर तो थर्ड ईयर हो जाएगा, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है यूनिवर्सिटी नॉर्म में है, तो चल हो जाएगा, तो मैं क्या करूं, मैं कैट में कौन सा फॉर्म में कौन सा मार्क्स फिल करूं, फर्स्ट ईयर का फिल करूं, सेकंड ईयर का करूं, क्या मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दे दूंगा, आपको बता दूंगा कैट फॉर्म फिल करने में। तो कैट फॉर्म फिल कौन कर सकती है, कैट फॉर्म वो सारी जनता फिल कर सकती है जो December 31, 2023 तक एटलीस्ट अभी तक 50%, मैं इसको क्वेश्चन मार्क दे रहा हूं, अभी तक 50% मार्क्स लेके आ सकती है। ये हमें पता होना चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं और इसका प्रूफ ला सकते हो अपने प्रिंसिपल से या रजिस्ट्रार से, तो आप कैट फिल कर सकते हो। तो हु आर एलिजिबल, एनी वन हु कैन क्वालिफाई देयर डिग्री और इक्विवेलेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ऑन एनीथिंग बाई 31st December 2023 कैन अप्लाई द कैट। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चन का आंसर किया होगा। आपके कोई भी डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैट आखिर कौन फिल कर सकता है, कैट वो सारी जनता फिल कर सकती है जिनका 31st December 2023 तक आपके पास 50% प्लस मार्क्स के साथ आपका सर्टिफिकेट आपके पास हो। अब बाकी जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे वो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। दिस इज ऑल अबाउट द कैट CACWA। अगर आप इंटर हो तो कैट फिल नहीं कर सकते हो, आपको कंप्लीट डिग्री चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप CACWA कंप्लीट हो तो कैट फॉर्म फिल करने के पहले आप मुझसे बात कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ लोगों के लाइफ चेंज हुए हैं उससे। तो इसको देख लेना, अगर आप फुल CACWA है तो मुझसे पूछ लेना कि आखिर कैट का फॉर्म कैसे फिल करते हैं, क्योंकि आपकी एक गलती फॉर्म्स के साथ साथ आपके ABC के कॉल्स को प्रॉब्लम में डाल सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर किया होगा। कोई भी डाउट हो, दिस इज अ ब्लैंक सीट। ब्लैंक सीट का मतलब डाउट्स हमेशा ब्लैंक होता है, हो सकता है आपके डाउट्स बहुत छोटे से हो सकता है आपके डाउट्स बहुत बड़े हों, आप पूछो, डिस्कस करो एंड अपने डाउट्स को रिजॉल्व करो। एट द लास्ट, मैं जो क्लासेस लेता हूं ऑफलाइन, दैट इज इन द झारखंड में क्रैश कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं 2017 अगस्त से रांची में। आप 9905050159 ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप वहां फोन कर सकते हैं, वहां व्हाट्सअप कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि फी क्या है नहीं है। कैट 2022 का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो रांची में चलेगा, और ऑनलाइन सपोर्ट आपको तो मिलता ही रहेगा। आई होप इट इज ओके। और बाकी किसी भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हो तो ऑनलाइन हम लोग का सपोर्ट हमेशा है, तो ऑनलाइन किसी भी कोर्सेज के लिए आप इसी नंबर पे बात कर सकते हो और अपना बेस्ट दे सकते हो। तो आज के लिए दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं सारे स्मॉल डाउट्स बिग डाउट्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस क्वांट LRDI एंड वर्बल भी यहाँ पे डिस्कस होती रहती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कुछ ना कुछ हमेशा आपका एक
पॉइंट जो होगा गेन करने को मिलेगा, एक नॉलेज इंप्रूव होगी जो आपके एग्जाम को आपके पास लेके आएगा। मैंने आपसे एक ही प्रॉमिस किया है, मैं दे रहा हूं अपना बेस्ट, आप दो अपना बेस्ट, एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन विद द फ्लैक्स मार्क्स। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।